तो है गाइस, मैं हूँ सिद्धमान और फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी लोग को स्वागत है। और इस समय मैं पहुँच गया हूँ अपने फैजाबाद चौक और वहाँ का आप सभी लोग को निकाबगंज से पूरा फैजाबाद जो चौक है वहाँ का आप सभी लोग को पूरा वीडियो शूट करके दिखाऊँगा। तो बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक। ये हम लोग फतेहगंज के रास्ते से आए हैं, जिला अस्पताल के रास्ते से, और निकाबगंज मार्केट क्रॉस करेंगे उसके बाद ही चौक आएगा हमारा। तो बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक, पूरा वीडियो स्किप मत करिएगा। पूरा ये जो दृश्य दिखा रहा हूँ इस साइड का, ये पूरा ये रिकाबगंज है। पूरा शाम के टाइम है, अंधेरा होने ही वाला है और उसी टाइम को मैं आप सभी को वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। अगर मेरा आवाज़ इस हवा की वजह से थोड़ा अगर हमको लगेगा डैमेज हो रहा है तो मैं फिर से डबिंग करूँगा, ठीक है, कि ताकि आप सभी लोग को मतलब आवाज़ जो है मेरा पूरा साफ जा सके। रिकाबगंज जो मार्केट है वहाँ का आप सब लोग को वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। और हम लोग पहुँचने वाले हैं फैजाबाद जो चौक है मेन घंटाघर, वहाँ का आप सब लोग को पूरा दृश्य दिखाऊंगा चारों तरफ का। थोड़ा से बाइक पे हूँ, सोचूंगा कि ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो ना हो, 5 से 6 मिनट का वीडियो हो। और बाइक से हूँ वैसे तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगा, हमको भी पता है। आप सब देख सकते हैं पूरा रिकाबगंज ये जो मार्केट है पूरा बैक साइड में पूरा दिखा रहा हूँ। और ये हम मैं अपने बैक कैमरे से मतलब वीडियो शूट कर रहा हूँ रिकाबगंज मार्केट का। बहुत ही अच्छा लगता है शाम के टाइम में, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा से शाम में आया हूँ, क्योंकि दिन में वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हरा भरा तरीके का नहीं लगता, थोड़ा शाम हो जाता है लाइट और फोकस जब रहता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा मतलब शाम में आया हूँ। ये रिकाबगंज मार्केट का वीडियो शूट कर रहा हूँ और देख सकते बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे यार इतना पैसा नहीं है मेरे पास में अभी इस समय, लेकिन जब होगा तो जाऊँगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा पैसे का मतलब शॉर्टेज है, लेकिन बट आने ही लगेगा, आप सब लोग को मतलब सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो आने ही लगेगा बहुत ही जल्द। और ये अजान होने लगा है शाम के टाइम में, फैजाबाद चौक के पास जस्ट रिकाबगंज के बीचों बीच में पहुंच चुका हूं और यहां पे अजान हो गया है मतलब हो रहा है। पूरा जाम अभी इस समय लगा है। ये फैजाबाद जो चौक है उसके जस्ट बगल में चारों तरफ में इसी तरीके से मतलब गेट लगा हुआ है, तो चौक के अंदर में पहुंचने से पहले मतलब इसी तरीके से मतलब एंट्री करना पड़ेगा, चाहे वो इधर से हो, चाहे वो सामने से, चाहे इधर से। और फैजाबाद चौक का मतलब पहुंच चुके हैं फैजाबाद चौक, यहाँ का वीडियो पूरा करके दिखा रहा हूँ। हमारे साथ में हमारे शनिदेव महाराज हैं, थोड़ा से डिसबैलेंस लग रहे हैं। थोड़ा से भी मैं रुक के थोड़ा सा वीडियो शूट करूँगा।
हैदराबाद चौक का पूरा वीडियो शूट करके दिखा दिया हूँ, थोड़ा से ही बचा है। और ये पूरा हैदराबाद चौक का पूरा मार्केट है। नीचे मतलब डाउन साइड में अगर मैं उतर के बनाता तो शायद बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता, तो इसलिए मैं उतर के वीडियो नहीं बनाया हूँ। लेकिन बट आप सभी को अगर मतलब कहेंगे मतलब सपोर्ट करेंगे तो मैं उतर के भी वीडियो शूट करके दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा मतलब अच्छा लगे वीडियो। और ये हमारे फैजाबाद जो चौक है, जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है और सिटी है, वहाँ का आप सभी को पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। और पूरा हैदराबाद जो चौक है वहाँ के रिकाबगंज से लेकर चौक और चौक से लेकर मतलब अपने पूरे एरिया का जो है वीडियो शूट करके दिखा दे रहा हूँ। और तीन चार परियाएँ जा रही हैं उनको देखते हुए। ये देखिए, जैसे कि मैं बोला था कि मतलब चारों तरफ में मतलब एक गेट जरूर ही मिलेगा। ये मतलब एकदम सीधे में निकल रहे हैं हम लोग अपने एरिया में, अपने गांव के तरफ में यार, ठीक है, अपने गांव के तरफ में मैं निकल रहा हूँ। तो मतलब ये गेट लास्ट है, उस साइड में भी मतलब रास्ता है। ये दूसरा गुलाबबाड़ी के एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। और तो गाइस हमारे साथ में शनिदेव महाराज हैं, लेकिन थोड़ा से गमंजे में हैं, इधर से चलिए, पगला गया थोड़ा से, इधर चले बहुत, इधर से निकलिए ना, इसका मुंडी तनी मनी थोड़ा से सटक गया है। हम लोग निकलने ही वाले हैं फैजाबाद जो चौक है वहाँ के का वीडियो पूरा शुरू करके दिखा दिया हूँ। और हम लोग जो है कि अब चल रहे हैं अपने घर, ठीक है। वीडियो शायद हो सकता है कि पसंद आए हो या ना आए हो, तो आप खुद ही सपोर्ट करके बताना बंद कि मतलब वीडियो अच्छा लगा कि बेकार लगा, कैसा है कि कैसा नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।